अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। उस जगह हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। ये सच है कि अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, पर यह भी सच है कि वक्त के साथ अपनों का भी पता चलता है। लक्ष्य पर आधे रास्ते तक जाकर कभी वापस न लौटें, क्योंकि वापस लौटने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ेगा। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना, जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। बहुत सुंदर संदेश। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, पर मेरी शहद बनाने की कला नहीं। कोई भी आपका क्रिएशन चुरा सकता है, पर आपका हुनर नहीं। नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। जिस दिन तुम्हारा सबसे करीबी साथी तुम पर गुस्सा करना छोड़ दे, तब समझ लेना चाहिए कि तुम उस इंसान को खो चुके हो। कहानी तीन बेस्ट फ्रेंड्स की। ज्ञान, धन और विश्वास तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों में प्यार भी बहुत था। एक वक्त आया जब तीनों को जुदा होना पड़ा। तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया कि हम कहाँ मिलेंगे। ज्ञान ने कहा, मैं मंदिर, मस्जिद, विद्यालय में मिलूंगा। धन बोला, मैं अमीरों के पास मिलूंगा। विश्वास चुप था। दोनों ने चुप होने की वजह पूछी तो विश्वास ने रोते हुए कहा, मैं एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं मिलूंगा, कभी नहीं मिलूंगा। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया समंदर से मिला, दरिया नहीं रहता। जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। उसने मुझसे पूछा, आप क्या क्या खाते हैं? मैंने भी बोल दिया कि बस धोखा नहीं खा सकता और सब कुछ खा लूंगा तेरे हाथ का दिया। गलत फहमी का एक पल
इतना जहरीला होता है जो प्यार भरे सौ लम्हों को एक क्षण में भुला देता है। समझो तो परिवार ही एक मंदिर है जिसमें अपने कुछ नियम होने चाहिए, अच्छे संस्कारों की भक्ति होनी चाहिए, एक दूजे में स्नेह की शक्ति होनी चाहिए और दिलों में भावना की मस्ती होनी चाहिए। छोटे थे हर बात भूल जाया करते थे, दुनिया कहती थी कि याद करना सीखो, बड़े हुए तो हर बात याद रहती है, दुनिया कहती है ये भूलना सीखो। अजीब दुनिया का दस्तूर है, दौलत चाहे कितनी ही बेईमानी से घर आए पर उसकी पहरेदारी के लिए सबको ईमानदार शख्स ही चाहिए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मजाक यानी चुटकी लेते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास, माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास, माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। लहजे में बदसुबानी, चेहरे में नकाब दिए फिरते, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो मेरा हिसाब दिए फिरते। आदतें अलग है हमारी दुनिया वालों से, कम दोस्त रखते हैं मगर लाजवाब रखते हैं, क्योंकि बेशक हमारी माला छोटी है पर फूल उसमें सारे गुलाब रखते हैं। दोस्तों पसंद आया ना? ऐसे ही प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोस देखने के लिए प्लीज आपके मम्मी पापा से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ना, हम और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे।